हेलो दोस्तों, शिवानी का इविक्शन होने के बाद में फाइनली यहां पर विशाल पांडे का भी इविक्शन हो चुका है। यानी कि आधी रात को विशाल पांडे को घर से बेघर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, कि शिवानी का आपको बताना चाहता हूं कि दिन में वही 5-6 बजे के आसपास में कल को यहां पर इविक्शन हो चुका था और उसके बाद में विशाल पांडे का भी रात के 11 से 12 बजे के बीच में इनका भी इविक्शन कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, करने के लिए दोनों को एक साथ में बेघर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। बिग बॉस के मेकर्स ने कुछ चाल चली और फाइनली क्या किया कि थोड़ी देर के बाद में, यानी कि पहले शिवानी का इविक्शन किया, उसके बाद में विशाल पांडे का इविक्शन कर दिया। क्योंकि दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि इस बात की पुष्टि ऑलरेडी बिग बॉस ने अपने ट्विटर हैंडल पे पहले दे दी थी कि शिवानी का पहले इविक्शन करेंगे और उसके बाद में मिड नाइट में, यानी कि आधी रात में हम जो है विशाल पांडे का भी इविक्शन कर देंगे। यानी कि अब इस ग्रुप से अगर बात की जाए तो सना मकबूल और यहाँ पर लोकेश कटारिया ही बचे हुए हैं। लेकिन सना मकबूल तो अपना मुखौटा दिखा चुकी है कि उसको सिर्फ ट्रॉफी से मतलब है या दोस्ती किसी से मतलब नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो सिर्फ लोकेश कटारिया ही अकेला बचा है घर के अंदर। शिवानी उसकी फ्रेंड थी और विशाल उसका फ्रेंड था, जो कि सभी लोग बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों, ऐसे में बताना चाहता हूं कि शिवानी और विशाल के बाहर आने से दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि जनता के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया है। काफी ज्यादा जियो सिनेमा एप्स को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि भाई यहां पर हम अब जियो सिनेमा कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई ये अनफेयर करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी सब कुछ करते हैं, वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई देखो, घर के हिसाब से अगर ये लोग करते तो उन्होंने घर के हिसाब से इलेक्शन कर दिया, अगर वोटिंग के हिसाब से करते तो कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे में सिंपल सी बात है, जनता काफी नाराज नजर आ रही है। तो आपको मैं सिंपल से एक ही बात बोलना चाहता हूं भाई, कि देखो, दो इविक्शन हो चुके हैं और आप लोकेश कटारिया ही फाइनल में जा रहा है, और वो कौन से 4 लोग होंगे जो टॉप में जाएंगे, ठीक है, तो वो देखना दिलचस्प होगा। जैसे कुछ भी अगली अपडेट होगी, सबसे पहले आपको मैं दूंगा, वो भी अपने चैनल के ऊपर। तो सभी को मैं बार बार एक ही बात की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फेसबुक पे मेरी वीडियो देख रहे हो, पेज को फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी अपडेट है सबसे पहले आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम पे। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, फटाफट से वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं इसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।